सा चढ़ गया, कोई और रंग ना चढ़ सके। तेरा नाम सीने पे लिखा, हर कोई आके पढ़ सके। है जुनून है जुनून है तेरे इश्क का, ये जुनून है रग रंग में इश्क तेरा दौड़ता, ये भावना सा खून है, तूने ही सिखाया सच्चाइयों का मतलब। तेरे पास आके जाना मैंने जिंदगी का मकसद, आदाब, खुशामदीद, सत्यमेव जयते। मैं आमिर खान आप सभी का तहे दिल से इस शो पर स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आपको मिलाना चाहूंगा आज की हमारी ऑडियंस से। आज हमारी ऑडियंस में एक ही परिवार की अलग अलग पीढ़ियां हैं, मतलब कल, आज और कल, यानी पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर और रणधीर कपूर। आप लोगों ने फिल्म देखी है उनकी? बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का, थैंक यू सो मच। हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, जब हम हिंदुस्तान की संस्कृति की बात करते हैं, सभ्यता की बात करते हैं, तो वो कौन सी चीज़ है जो हमें, हिंदुस्तान के लोगों को, बाकी दुनिया से अलग खड़ा करती है? बताइए, मुझे कोई बताएगा आप में से? हाँ हाँ, बताइए। मुझे लगता है कि फैमिली में बच्चे साथ में जो सोते हैं, हाँ, सिर्फ हिंदुस्तान में होता है और कहीं नहीं होता। ये सही कहा आपने। और कोई मुझे बताएगा? हाँ हाँ, अब इंडिया में ही ऐसा है कि एक ही घर में तीन जनरेशन देखने मिलते हैं, हाँ, जैसे ग्रैंडफादर, सन एंड हिज सन, राइट, दे को एग्जिस्ट। सही। आप कुछ कहना चाह रही थी? जो भारत में छोटे बड़े को रिस्पेक्ट देते हैं वो स्पेशल है। हाँ, जो बड़ों का जो आदर करते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। बड़ों की तरफ हमारी इज्जत, हमारा प्यार, हमारे मन में उनके लिए आदर, ये एक ही देश है पूरे विश्व में जहां बड़ों के पैर छुए जाते हैं। चरण स्पर्श करना, पैरों की धूल माथे पे लगाना आदर का एक प्रतीक है, और आज भी लाखों हिंदुस्तानी अपने दिन की शुरुआत इसी से करते हैं। अच्छा, हमारी भाषा, हमारी जबान में भी ये एक आशीर्वाद माना जाता है, जुग जुग जियो, तुम्हारी उम्र लंबी हो। और जब हम किसी के बारे में बात कर रहे हों और वो आ जाए या उसका फोन आ जाए, तो हम कहते हैं कि यार तू 100 साल जिएगा, अभी तेरी बात चल रही थी। लेकिन दोस्तों, क्या सभी बुजुर्गों को वो इज्जत, वो आदर मिलता है जिसके वो हकदार हैं? 78 साल की मिसेस कृष्णा डावर के लिए उनके बच्चे ही उनकी दुनिया थी। बड़े अरमानों से उन्होंने सबकी परवरिश की। पति के गुजर जाने के बाद वे उसी घर के ग्राउंड फ्लोर पर अकेली रह रही थी जिसमें उनकी यादें और जान दोनों बसती थी। लेकिन उनकी जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। घर की पहली मंजिल पर रहने वाला बेटा उन पर दबाव डालने लगा। घर जो था वो 42% मेरे नाम था, 29 मेरे एक बेटे के छोटे के, 29 इसके था। वो कहता था उन दोनों से मेरे को साइन करवा दो। उनके अनुसार उन्होंने जब बेटे की इज्जत को नहीं माना तो बेटा बदसलूकी पर उतर आया। उनके बेटे ने उनकी गैर हाजिरी में घर को अंदर से ताला लगा दिया। जब मैं देहरादून गई हुई थी, आई हूँ तो देखा तो बाहर ताला लगा हुआ था और सामान पूरा फेंक दिया था। कई घंटों तक ये बूढ़ी माँ अपने बेटे से घर का दरवाजा खोल देने की गुहार लगाती रही। पूरा देश एक माँ के साथ हुई बदसलूकी का गवाह बना। आस पड़ोस के लोगों और पुलिस की मदद से आखिरकार 9 घंटे सड़क पर बिताने के बाद रात के 3:30 बजे ये माँ अपने ही घर में कदम रख पाई। हस्बैंड चला जाए और पीछे ये कुछ बच्चे करें तो मेरे अंदर बैठ के कोई नहीं देख सकता क्या हो रहा है। जहाँ एक चिड़िया एक घोंसला बनाती है, अगर उसके घोंसले को तोड़ देता है तो कोई कितना मंडराती है उस जगह पर। ऐसे ही मेरे को अपने घर से प्यार है। पता नहीं कितनी माताएं हैं जिनका ये हाल हो रहा है, एक मेरा नहीं हो रहा है। जिंदगी भर मिल में काम करने वाले गहनी नाथ भोसले और उनकी पत्नी ने बहुत परिश्रम और संघर्ष से अपने बच्चों को पाला पोसा। लकड़ी के भारी बक्से हाथ गाड़ी में लादकर मेरे पति सारा बोझा बैल जैसे खींचकर कंपनियों को पहुंचाते थे, लेकिन
लेकिन कभी 5 पैसे भी अपने ऊपर खर्च नहीं किए। हमने पाई पाई बचाकर अपने बच्चों को बड़ा किया और आज बुढ़ापे में हमें कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। जवानी में हमने मेहनत कर अपनी हड्डियां गलाई, आज हमारी हालत बहुत खराब है। खाना भी देना बंद कर दिया, चाय बंद कर दी। हम सड़क में चाय पीते हैं, खाने का डब्बा भी बाहर से ही आता है। हमारे हालात खराब हो गए हैं, आपको क्या बताएं? ऐसा ही हाल श्री अशोक पांचाल और उनकी पत्नी का भी है। बाप की उंगली पकड़कर जिस बेटे ने चलना सीखा, उसी बेटे ने बड़े होकर बाप की लाठी बनने की बजाय बाप को बेसहारा छोड़ दिया। एक दिन बेटे ने हमारे सारे कपड़े बाहर फेंक दिए, बोला तुम इधर नहीं रह सकते। मैंने कहा तुम ये क्या कह रहे हो, तुझे पढ़ा लिखा कर इतना पढ़ा किया। कहने लगा ये तो तुम्हारा फर्ज था, सभी करते हैं। बचपन में खुशी खुशी अपने बच्चों की हर जिद पूरी करने वाली एक और माँ आज इसीलिए वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर है क्योंकि बड़े बेटे ने उन्हें घर में रखने से इनकार कर दिया। तो ऐसा बोला कि 2 दिन में तुम्हारी व्यवस्था कर लो। फिर मैं 1 दिन भी नहीं रुकी उधर, और बहुत इंसल्ट किया मेरा। इतना हुआ तो भी मैं उसको कितने बार फोन किया, नया साल आता है तब उसका बर्थडे पे, और वो उठाता नहीं फोन। जो माँ बाप अपना सब कुछ न्योछावर करके अपने बच्चों को दुनिया में जीने के काबिल बनाते हैं, वो कब अपने ही बच्चों की दुनिया में बेगाने हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। और इस चोट के जख्म उनके लिए इतने गहरे होते हैं कि उन्हें धोते धोते अक्सर उनकी बूढ़ी आंखें सूख जाती हैं। दोस्तों, कितने अफसोस की बात है कि बच्चे अपने माँ बाप को इतना दुख पहुंचा सकते हैं। अपने बच्चों के हाथों ऐसा सलूक बर्दाश्त करना आसान नहीं होता। ऐसे में कई बुजुर्ग घर छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं, और इतनी बड़ी तादाद में ऐसा हो रहा है कि दिल भर आता है। वृंदावन की इस पुण्य नगरी में रोज हजारों लोग भगवान कृष्ण की श्रद्धा में आते हैं, और यहीं की गलियों में हजारों बूढ़ी माएं इसी उम्मीद में रहती हैं कि एक दिन कृष्ण की भक्ति में वो अपना सारा गम भुला देंगी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वृंदावन में करीब 15,000 बूढ़ी विधवाएं रहती हैं, जिनमें काफी संख्या उन माओं की है जो अपने बच्चों के द्वारा ठुकरा दी गई हैं, और इनका गम छिपाए नहीं छिपता। तरह तरह की मुझे बातें वहां सुनने को उनके द्वारा मिली। खर्च भी न मिलने लगा, कुछ भी न मिलने लगा, वो अपना देखने लगे, हम सताए जाने लगे। मैं तो जानती थी कि ये कभी हमारी मदद नहीं करेंगे। अगर हम भूखे भी बैठे होंगे तो हमें कभी 2 रोटी तक नहीं दे सकते। 10 जो बच्चे है ना, एक माँ पाल सकती है, लेकिन 10 बच्चे एक माँ को नहीं पाल सकते। अब जमाना ऐसा आ गया, इसीलिए हम चुपचाप करके छोड़ दिया और बस अपनी किस्मत और अपना भाग लेकर बिहारी जी के चरणों में आ गए। अब उनकी शादी करके बस बेटा निकल गए, बड़े दुख में मैं आई। जितना मेरा पास था सब ले लिया, शराब का झूठ में इसी धक्का मारा, मार पीट गाली देता। हाँ, बोला कि नहीं आज अभी से शाम तक नहीं जाएगी तो मैं जहर खा जाऊं। तो बोलिए, माँ अपनी बेटा को मरते देख सकता? जिन माओ ने अपने बच्चों की हर जरूरत पूरी करने की कोशिश की, आज वे अपना गुजारा इस तरह करती हैं। इन छोटे अंधेरे कमरों का किराया भरती हैं और उम्मीद करती हैं कि कोई भला आदमी इन्हें 2 वक्त की रोटी खिला दे। कई वर्षों से ना इन्होंने अपने बच्चों को देखा है और ना ही इनके बच्चों ने इनसे मिलने की कोशिश की। कोलमिया दुनिया में पोती पोते सब पड़ रहे, कौन आएगा हमारे पास में? कोई नहीं आएगा। अब पीछे मुड़कर नहीं देखना, हमको मां मर गई तब नहीं देखना।
बहू ने बोला, क्यों आते हैं आप, आपका कोई है यहाँ? सब मर गया। और इसी अकेलेपन में लिपटकर ये माएं अनजान कंधों पर अपना अंतिम सफर तय करती हैं। बड़े दुख की बात है दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ हैं विनी सिंह जी, जो मैत्री नाम की संस्था से हैं और वृंदावन में विधवाओं की जिंदगी को एक इज्जत देने की कोशिश करती हैं। विनी जी, मुझे बताइए कि जो बुजुर्ग महिलाएं वृंदावन में आती हैं, कितनी ऐसी हैं जिनके बच्चे मौजूद हैं और उनकी देखभाल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने माँ को छोड़ दिया है या घर से निकाल दिया है? ऐसी कितनी माएँ हैं वहाँ पर? अधिकतर सभी विधवा माताओं की बच्चे हैं, उनके परिवार हैं, पर कुछ ऐसे ही हालात हो जाते हैं इन लोगों के कि बच्चे या तो वो संपत्ति के पीछे या उनके पैसे के पीछे, या उनको ये होता है कि अगर पैसा नहीं है तो हम इस माँ को क्यों अपने घर पे, हमारे ऊपर बोझ हो जाती है। और कई माताएं हैं 20 साल हो गए उसको वहाँ रहते हुए, उनको दिल में बहुत होता है कि मैं जाऊँ अपने बच्चों को मिलने, मोह तो किसी का भी नहीं जाता है, और इतना कुछ सामान लेके जाती है, पूरा साल जो इन लोगों को दान वगैरह में कहीं से भी मिलता है सब इकट्ठा करके सब लेके घर चले जाती है, अपने ऊपर कुछ नहीं खर्चते हैं, बहुत आशा के साथ जाती है। हमको बहुत बता के गई, माँ मैं घर जा रही हूँ, अभी मेरा बेटा है, मैं उसको अपना नाता नाती को देखने जा रही हूँ। और जब वो एक महीने के बाद आई, उसको पूछा कि माँ कैसा था, सब ठीक ठाक है घर में, तो जवाब है कि इसके बाद मैं कभी नहीं जाऊँगी। सो बड़ा आश्चर्य हुआ, तो मैंने उसको पूछा कि क्या हो गया माँ, तो इतना खुशी से गई थी, कहती है जब मैं घर गई एक दिन तो ठीक था, उसके बाद में बहू बेटा दोनों हर रोज़ वही गाली गलौच, भीख मांगना पड़ता है इनके लिए कि मेरे को खाना दे दो, तो कहती है फिर मैं कैसे रहती, अगर ऐसे ही दुत्कार खानी है तो घर पर रह के अपने बच्चे से नहीं खाई जाती है। सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में इनको प्यार इज्जत दो चीज़ है। अब थोड़ा हमारे में कभी माँ बेटी का, कभी सहेली का, हर एक तरह का रिश्ता है, तो वो जैसे ही पहुँचते हैं तो वो आकर गले मिलती हैं, और वो गले मिलती है ऐसे नहीं है कि बस मिल के छोड़ दिया, फिर वो मिलके इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर, फिर वो हाथ पकड़ लेती है, फिर वो छोड़ेंगी नहीं। तो इसी तरह से वो खाली प्यार की भूखी होती है, और कि कोई हमको एक्सेप्ट कर ले, कोई ये नहीं कहे कि हम अछूत हैं, हमारी छाया से भी आपके परिवार पे, आपके ऊपर कोई परेशानी आएगी। और ये वो औरतें हैं जिन्होंने ज़िंदगी भर अपने बच्चों को प्यार से बड़ा किया, उनकी देखभाल की ज़िंदगी भर, और आज उनके साथ जो उनके बच्चे हैं उन्होंने उनको छोड़ दिया है। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ मंगेश जी मौजूद हैं। मंगेश जी गोराई में एक वृद्ध आश्रम में काम करते हैं, बुज़ुर्गों के साथ आप बहुत वक्त बिताते हैं, आपका क्या अनुभव रहा है? हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो घर में नहीं रखे जाते, उनके बहुत सारे दो दो तीन तीन सुपुत्र हैं, उनके अच्छा, बच्चे हैं, हाँ। और कोई भी उनको घर में रखने के लिए तैयार नहीं होता है, बल्कि उनके थोड़ा सा शुल्क लेते हैं हम लोग उनसे, 2200 रुपया 2000 रुपये जो उनके मासिक खर्च के लिए होते हैं वृद्धाश्रम में, उनमें भी उन लोगों के झगड़े होते हैं कि 2200 रुपये हम लोगों को तीन पार्ट कैसे किए जाए और उसको डिवाइड कैसे किया जाए, 50 रुपीज़ का डिफरेंट भी कोई भोगने के लिए तैयार नहीं, तो पिताजी और माता के लिए देखने की तो बात ही नहीं है उसमें। तो तीन बच्चे हैं, तीनों बच्चे कहते हैं कि मैं नहीं दूंगा, तू नहीं देगा, नहीं, और उसमें भी झगड़ा होता है उनके, उसमें भी झगड़ा होता है। एक ज़माना ऐसा था कि बच्चा खाना नहीं खाता था तो माँ रोती थी, मगर अब ज़माना ऐसा आ गया है कि बच्चा खाना नहीं देता इसलिए माँ रोती है। जैसे हमारे पास एक माता जी है, वो उनका लड़का जो है ना वो अमेरिका के नासा में कोई रिसर्च का काम करता है, और वो माताजी गए 3 सालों से हमारे पास रहती है, उसकी बैग जो है अपने बेड पर होती है और इंतज़ार कर रही बैठी है कि कभी तो आएगा और मुझे ले जाएगा, और उस इंतज़ार के लिए वो उसकी बैग रेडी होती है कि किसी वक्त भी मेरा बेटा आएगा ले जाने के लिए, तो मैं तैयार हूँ, बस इतनी दिन इंतज़ार में खोई है। कितने दुख की बात है दोस्तों कि
जब बच्चा पैदा होता है तो वो माँ बाप के बगैर जी नहीं सकता, माँ और ख़ास तौर से माँ के बगैर जी नहीं सकता। माँ हर लम्हे उसका ख्याल रखती है और उसी माँ को हम भूल जाते हैं। दोस्तों हमारे साथ देवरे पाटिल जी भी हैं आज, जो कल्याण में एक ओल्ड एज होम चलाते हैं, मातोश्री। आप इतने सालों से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आप आपके क्या अनुभव रहे हैं? ऐसा समाज का ऐसा चित्र मैंने देखा है कि जो मैं मेरे ख्वाब में भी नहीं सोच सकता हूँ कि ऐसा अपना समाज है। तो इतने साल में ऐसे कई मौके आते हैं सर, कई बच्चा रेलवे स्टेशन पे छोड़ के गया और टैक्सी करने के लेके गया, अभी तक नहीं आया सर। टैक्सी लाने गया, उनको वहाँ छोड़ दिया, वापस कभी आया नहीं। हॉस्पिटल के ओपड़ी में माँ को रख के जाते हैं, माँ मैं केस पेपर निकाल के लाता हूँ और कभी नहीं आता है। और ऐसे माँ बाप करते 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 कभी गुजर जाते हैं सर, और हम बुलाते भाई इसका कोई रिलेटिव है, कोई है क्या? अंतिम जो होते हैं अंतिम विधि के लिए फोन करके बोलते हैं वहां से, हम लोग तो कई बाहर गांव गए थे, अभी आए हैं, अभी तो नहीं होएगा, आप ही करवा के डालो। कम से कम मैंने कम से कम 12 तो 13 लोगों को खुद जाके मैंने अंतिम विधि किया, बच्चे नहीं आए, बच्चे नहीं आए सर। दोस्तों कभी कभी सुनकर यकीन नहीं आता कि हिंदुस्तान जैसे देश में जहां हम बड़ों की इतनी इज्जत करते हैं वहां ऐसा हो रहा है। यहां पर हम लेंगे छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। दोस्तों इस वक्त मेरे साथ बैठी हैं प्रमिला कृष्णन, जो डेक्कन क्रॉनिकल में पत्रकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का प्रमिला जी। प्रमिला जी, आपने बुजुर्गों के बारे में एक रिपोर्ट में छानबीन की थी, हमें उसके बारे में बताइए। आई वंस हर्ड अबाउट हाउ, मैंने कहीं सुना था कि तमिलनाडु के दक्षिणी हिस्से में कुछ परिवार अपने बुजुर्गों से छुटकारा पा रहे हैं, असलियत में वो उनको मारने की योजना बनाते हैं। आपका मतलब है परिवार के लोग ही बुजुर्गों को मार रहे हैं? जी हाँ, पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ, इसलिए मैं खुद विरुद्धनगर गई। मैंने वहाँ के लोगों से कहा कि मैं रिसर्च कर रही हूँ, गांव के बुजुर्गों से बातचीत करना चाहती हूँ पुरानी परंपराओं के बारे में। बड़ी आसानी से लोग बता रहे थे, हमने अपनी माँ को मारा, मैंने अपने बाप को मार दिया, उनके लिए ये आम बात थी। लोग खुलेआम इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। जिस शब्द का ये प्रयोग करते हैं वो है तलय कूतल। तलय का मतलब है सर और तलय कूतल यानी नहलाना। अगर कोई कहे मैंने अपने पिताजी का तलय कूतल किया, मतलब मैंने उन्हें मार डाला। ये प्रथा उस इलाके में काफी प्रचलित है और बुजुर्ग को नहलाने के बाद खबर फैला दी जाती है कि तलय कूतल कर दिया, ताकि रिश्तेदार आने लगे। आजकल नई पीढ़ी क्या करती है, वो एक क्वैक यानी फर्जी डॉक्टर को पैसे देते हैं और वो जानलेवा इंजेक्शन लगा देता है। तो ये नया तरीका है, मतलब ये तलय कूतल का नया रूप है। और ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? क्योंकि वो प्रॉपर्टी चाहते हैं उस इंसान की, या क्या वजह है? देखिए, ये सिर्फ गरीब या सिर्फ अमीर तबके में नहीं हो रहा है, समाज के हर हिस्से में ये प्रथा मौजूद है। आजकल लोग अपने बड़े बूढ़ों के मरने का इंतजार नहीं कर पाते, बूढ़ों पर वो अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते, उनको उनकी देखभाल नहीं करनी है, बीमारी में उनका ख्याल रखना पड़ता है, नहीं करना चाहते, वो बुजुर्गों को बोझ समझते हैं। मैं क्वैक से मिली थी। ओह, यू मेट अ क्वैक आल्सो? दरअसल मैंने दिखाया कि मैं किसी की पोती हूँ। मैंने उससे कहा मैं पढ़ाई के लिए दिल्ली जा रही हूँ और मेरे दादा मेरे लिए मुसीबत बन गए हैं, वो बिस्तर पर पड़े रहते हैं, उनका ख्याल रखना मेरे बस में नहीं है, मैं इस मुसीबत से आज़ादी चाहती हूँ। तो उसने मुझसे कहा वो मेरी मदद करेगी, वो जानलेवा इंजेक्शन लगा देगी। दोस्तों हमने जब ये सारी चीज़ें हमें इसके बारे में पता चला तो हमें एक्चुअली यकीन नहीं हुआ उस वक्त कि ऐसा भी हो सकता है। तो हमने हमारी टीम वहाँ पर भेजी और देखिए कि हमारे सामने क्या आया। क्या आपके गांव में तलई कूतल दिया जाता है? जो बूढ़े बहुत बीमार होते हैं उन्हें नहलाते हैं और फिर वो चल बसते हैं। जो बूढ़े आसानी से नहीं मरते उन्हें नहलाते हैं और वो यकीनन इससे मर जाते हैं, ये तो होता ही है।
इस इलाके के लोग ऐसा करते हैं। अगर बूढ़े और कमजोर इंसान को तलाई कोतल किया जाए तो वो मर जाते हैं। क्या तलाई कोतल आज भी दिया जाता है? हाँ, जो बहुत बूढ़े होते हैं उनको तलाई कोतल दिया जाता है। मेरी उम्र का एक आदमी था, मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था, काफी कमजोर हो गया था, ठीक से चल भी नहीं पाता था। उसके 5 बेटे थे, कोई बेटी नहीं थी। उसे इंजेक्शन दिया था। आजकल तो यही ज्यादा होता है। पुराने जमाने में जमीन में गड्ढा खोदते थे, ऊपर से रेत डाल के दफना देते थे। वो अलग जमाना था। आजकल तो इंजेक्शन ही ज्यादा चलता है, इंजेक्शन लगा देते हैं। प्रमिला जी, मुझे बताइए कि जब आपने ये सब देखा कि ये सब हो रहा है तो जाहिर है आपको ताज्जुब हुआ होगा। और लोगों का क्या रिएक्शन था जिनको आपने ये बताया कि ऐसा हो रहा है, उनका क्या रिएक्शन था? पहले मैंने सारे सबूत इकट्ठे किए, उन्हें लेकर मैं कलेक्टर के पास गई। मैंने उन्हें बताया कि देखिए मैडम, आपके जिले में ये सब हो रहा है। उन्हें बड़ा धक्का लगा। उन्होंने कहा कि वो इस मामले में कार्यवाही करेंगी। तो फिर उन्होंने कार्रवाई की इसमें? उन्होंने मुझसे वादा किया, जब भी किसी बुजुर्ग इंसान का देहांत होगा उसकी पूरी जांच की जाएगी। चलिए प्रमिला जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। आज आपने हमें एक ऐसे प्रथा के बारे में बताया जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, और यकीनन ये हमारे देश के एक बहुत ही छोटे हिस्से में होता होगा, लेकिन फिर भी हमें बड़ा दुख है इस बात का कि ये ऐसा होता है। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू। दोस्तों, प्रमिला जी ने जिस प्रथा के बारे में हमें बताया वो बहुत ही रेयर है, बहुत कम ऐसा होता है, लेकिन फिर भी हमारे समाज में बुजुर्गों को बहुत सारी बड़ी छोटी तकलीफों का, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आइए इसके बारे में और जानकारी पाने के लिए बात करते हैं हिमांशु रथ जी से, जो एजवेल नाम की संस्था चलाते हैं। हिमांशु जी, प्लीज जॉइन अस ऑन स्टेज। हिमांशु जी कई सालों से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हिमांशु जी, मुझे बताइए कि बुजुर्गों को अलग अलग किस्म की तकलीफें हो रही हैं सामाजिक तौर पे, तो ये क्यों ये क्यों इतना बढ़ रहा है? बुजुर्गों का सम्मान, ये हमारे देश की एक परंपरा है जी, लेकिन जिंदगी इतनी ज़्यादा तेज़ रफ्तार हो गई है कि अक्सर तकरीबन सभी केसेस में एक परवाह होती है, एक दिल में चाहत होती है, लेकिन जिंदगी की डिमांड्स ऐसी होती जा रही हैं कि उस चाहत को पूरा नहीं कर पाते। कोई भी आदमी जो आज काम करता है, सुबह 8 बजे घर से निकलना होता है, तब उस समय आपको जल्दी है काम पे जाने की। जब आप 8 बजे आ रहे हैं तो एक पत्नी है, बच्चे हैं, बाकी जिम्मेदारियां हैं, स्वयं के लिए समय है, तो एक लगातार जद्दोजहद है, आपको करना ही है। तो माँ बाप के लिए समय रह कहाँ गया उसके पास? दूसरी चीज़ ये कि हमारे समाज में उम्र जो है वो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। जब हम आज़ाद हुए थे तो 30-32 साल के आसपास की एवरेज एज मानी जाती थी। औसत एज आम भारतीय की उस वक्त सिर्फ 32 थी जी, बहुत कम थी। छोटी मोटी संख्या में कुछ लोग लंबा जी जाते थे, लेकिन आज 75-80 साल तक जीना बड़ी कॉमन सी बात है। तो अब जो आदमी 75 का हो गया, उसने खुद अपनी लंबी उम्र की तैयारी ही नहीं करी, और जब उसने कोई तैयारी खुद नहीं करी है तो उसका परिवार या उसके समाज, उनको कैसे तैयारी, वो कैसे तैयारी करेंगे? तो आपका ये कहने का मतलब है कि पहले तो शायद वो 60 साल तक जीता तो बहुत बड़ी बात थी, तो जब तक वो कमा रहा था वो जी रहा था, अब वो 80 साल तक जी रहा है। तो इसके जो परिणाम है वो भी इकोनॉमिक एंगल मुझे समझाइए। इसके इकोनॉमिक एंगल बहुत भयावह है। आज हिंदुस्तान में 60 साल की उम्र में आपने एक आदमी को रिटायर कर दिया। आदमी को अगर 80 साल तक जीना है तो 20 साल के लिए उसको अपना इंतजाम करना है, उसकी पत्नी 10 साल छोटी है तो 30 साल के लिए पत्नी के लिए इंतजाम करना है। औरतें आम तौर पे 5-7 साल ज़्यादा जीती हैं, तो 35 साल के लिए उसे अपनी पत्नी के लिए फाइनेंशियल इंतज़ाम करना है और 20 साल के लिए खुद के लिए इंतज़ाम करना है। आज के इन्फ्लेशन में, आज की महंगाई में, कितना भी पैसा आप एक जगह रख दीजिए, क्या वो 35 साल तक खींच सकता है? ये प्रैक्टिकल नहीं है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, उनके बच्चों की उम्र भी बढ़ रही है जी। जो आज 70-75 का होगा, बच्चे भी तो 50-55 के हो रहे होंगे,
वो अपना बुढ़ापा देखेंगे, वो अपनी लड़की की शादी देखेंगे, वो अपने मकान की किस्त चुकाएंगे। तो जो पीढ़ियों के बीच की जो दूरियां हैं वो बढ़ती जाती हैं। ये इकोनॉमिक वजह से बढ़ रही हैं। इकोनॉमिक वजह से बढ़ रही हैं। तो अब वो जो कॉन्सेप्ट है कि 60 साल की उम्र में हम रिटायर हो जाएं, उससे बाहर निकलना होगा। जब तक शरीर साथ देता है काम करते रहना है और दो पैसे कमाते रहना है जी। कुछ करके किसी तरह से अपनी आर्थिक स्वतंत्रता को कायम रखना चाहिए, जितने ज्यादा से ज्यादा समय तक हम रख सकते हैं। अपने आप को वोकल रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मेरी परवाह मेरे परिवार वाले नहीं कर रहे हैं और अगर अड़ोसी पड़ोसी इस बात को जान जाए तो कोई भी बुजुर्ग कभी भी किसी परेशानी का सामना नहीं करता, क्योंकि तो चुप ना रहे। चुप ना रहे, ये कह रहे हैं कि चुप ना रहे। अगर आपके बच्चे आपके साथ व्यवहार ठीक नहीं कर रहे हैं सबको बताएं, तो आप सबको बताएं जी। रथ साहब, बहुत सारे जो बुजुर्ग हैं हमारे समाज में उन पे प्रेशर आता है बच्चों की तरफ से कि आपकी जो जायदाद है या जो घर है या जो प्रॉपर्टी है, जो कुछ भी आपके पास है, वो आप हमारे नाम कर दें। इस पे आप कुछ टिप्पणी देना चाहेंगे? पहला ये कि किसी भी हालत में आपके पास जो भी धन संपदा है, जो भी आपके पास आर्थिक साधन है, वो जब तक आप और आपकी पत्नी जीवित हैं किसी और के हाथ नहीं जाना चाहिए। कितना भी प्यार करते किसी हो, के नाम पे नहीं जाना किसी चाहिए। बच्चे किसी बहू किसी पोते किसी के नाम पे ना जाए, कितना भी आप प्यार करते हो। क्योंकि जब तक अगली पीढ़ी को पिछली पीढ़ी का सामान कुछ मिलता नहीं है तब तक वो उनकी इज्जत करते रहते हैं। वो हाथ पांव भी दबाएंगे, वो अस्पताल भी ले जाएंगे, वो दवा दारू भी करेंगे। और वो ही माँ बाप सबसे ज्यादा सफर करते हैं जो अपने प्यार के कारण उमड़ते चले जाते हैं। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी बहू, मेरा पोता, जो ये मेरा मेरा करना जिसने शुरू किया, बस वहीं से उनके दुर्गति के दिन शुरू हो जाते हैं। इसलिए सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, कोई प्रलोभन आए, कोई इमोशनल ब्लैकमेल हो, कुछ हो, उन्हें अपने पास अपनी चीज़ को रखना चाहिए। उन अपने बच्चों से शेयर करें तो अपनी मन की खुशी को शेयर करें, अपने पैसे को शेयर ना करें। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जब चुनाव होते हैं तो सबसे बड़ी संख्या में वोट देने वाले जो एक्चुअल वोटर्स होते हैं वो बुजुर्ग होते हैं। हाँ, कोई जाए ना जाए वोट देने के लिए बुजुर्ग आदमी जरूर जाता है, लड़के जाता है, अपने आप को असर्ट करने के लिए जाता है। उसको रहता है मैं अपने परिवार में तो कुछ बोल नहीं पाता, चुनाव के समय मेरे पास एक सत्ता है, मैं उसका इस्तेमाल करूँगा। अब तक के सारे फिगर्स को देखें जी तो आप पाएंगे कि करीब करीब 23-24% एक्चुअल वोटर्स जो हैं वो बुजुर्ग हैं, वो 60 साल से बड़ी उम्र के लोग हैं। तो ये एक सच्चाई है। और दूसरी सच्चाई है कि जितनी लीडरशिप है, जितने नेता हैं, वो सभी बुजुर्ग होते हैं। तो जब वोट देने वाले सबसे बड़ी संख्या में बुजुर्ग हैं और जो नेता हैं वो सब बुजुर्ग हैं, तब भी बुजुर्गों के लिए कोई भी कानून या कोई भी नीति नहीं बनाई जाती। आने वाले समय में जैसे जैसे बुजुर्गों की संख्या हमारे समाज में बढ़ती जाएगी, और जो कि बहुत तेजी से बढ़ रही है जी, अगले 10, 12, 15 साल के अंदर अंदर ये सब नीतियां जो हैं वो बुजुर्गों के लिए बनने लगेंगे। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने का मिस्टर रथ। आपने बहुत ही अहम चीज़ों पे रोशनी डाली है, थैंक यू सो मच। दोस्तों, हमारे साथ यहाँ इस वक्त डॉक्टर अर्चना कौशिक भी हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और जिन्होंने ओल्ड एज पे बहुत रिसर्च की है। बताइए अर्चना जी, इसका सोल्यूशन क्या? हम तो सुनी रहे हैं कि तकलीफ क्या है। एज को एक हमारे समाज पे एक विपदा ना बने, इसके लिए हम सबको तैयारी करने की ज़रूरत है। और वो तैयारी सिर्फ सरकार नहीं कर सकती, सिर्फ लोग नहीं कर सकते, सिर्फ बुज़ुर्ग नहीं कर सकते, सबको मिलके करनी होगी जी। हमारी जो नेशनल पॉलिसी ऑन ओल्डर पर्सन्स 1999 में आई थी, उसमें ये लिखा गया है कि 2/3 हमारे देश के जो बुज़ुर्ग हैं उनको ज़रूरत है इकोनॉमिक सिक्योरिटी की, सपोर्ट की, और सपोर्ट की जी, जी। और सिर्फ 2-4 इस तरह की स्टेट्स हैं जिसमें दिल्ली हो गई, गोवा हो गई, जो कि 1,000-2,000 रुपया प्रोवाइड करते हैं। तमिलनाडु भी और लेकिन ये बहुत कम स्टेट्स हैं। ज़्यादातर स्टेट्स हैं जहाँ 100-200 रुपया वो ही मिलता है महीने का और वो भी कंडीशंस इतनी ज़्यादा कठिन हैं कि मिल पाना लगभग असंभव है। 92% जो बुज़ुर्ग हैं जो जिनको ज़रूरत है इस इकोनॉमिक सिक्योरिटी की उनको नहीं मिलती है। अच्छा। सिर्फ 8% को मिल रही है। और डेस्टिट्यूशन में आप उन्हें 100 रुपया महीना पकड़ा दीजिए, उससे कहाँ खाने को, कहाँ से खा पाएंगे वो।
जी बिल्कुल सही, हर राज्य सरकार को ये करना चाहिए कि जो बुजुर्ग गरीब और बेघर हैं उनकी देखभाल की जाए और उनके लिए सही रकम की पेंशन स्कीम्स लागू हों। हाँ जी। मुझे बताइए कि हम देखिए अपने बच्चों के लिए जी हम स्कूल्स बनाते हैं। हाँ जी। हम स्कूल से पहले हम केजी बनाते हैं। हाँ जी। अब तो क्या होगा कि केजी से पहले भी हमने एक इंस्टीट्यूशन बनाया, एक संस्था बनाई जिसको हम लोग प्ले स्कूल कहते हैं। जी जी जी। क्रेशेस भी हैं। हाँ जी। जहाँ के आप क्रेश में अपना बच्चा आप छोड़ सकते हैं अगर आप काम कर रही हैं। तो हमारे समाज में हमने हमारे बच्चों के लिए बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस बनाई रखी हैं। जी। तो मेरा ये अब सवाल है आपसे जी 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 कि क्यों ना हम इस किस्म के इंस्टीट्यूशंस के बारे में सोचें। हाँ जी। जो हमारे बुजुर्गों के लिए भी हो। डे केयर सेंटर्स ऐसे हो सकते हैं जहाँ बुजुर्ग कुछ टाइम के लिए अपने मित्रों के साथ जाके वहाँ किताबें पढ़े, वहाँ पे लोगों के साथ जाके। तो वो जो एक परिवार पे जो निकलता या परिवार के साथ जो लड़ाई झगड़ा होता वो बहुत कम हो जाएगा, तो एक मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी बात रहती। और इसके अलावा सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी है, और इससे फैमिली पे प्रेशर नहीं आएगा, तो जितना एल्डरली अब्यूज के केसेस हमारे पास आ रहे हैं वो कम हो जाएंगे, वो भी काफ़ी कम हो जाएंगे। एक काउंसलिंग सर्विसेज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, पहले ज़माने में इतना नहीं फ़र्क पड़ता था, लेकिन अब बैठ के आप सिर्फ सुन लीजिए आपको मतलब 99% प्रॉब्लम्स वहीं ख़त्म हो जाएंगी। वो सिर्फ चाहते हैं कि प्यार से कोई हमारी बात सुन ले, तो वो एक काउंसलिंग सर्विसेज चाहे कोई भी दे, कम्युनिटी में ही इस तरह से हमें सिस्टम्स क्रिएट करने होंगे। और हम एल्डरली को अनप्रोडक्टिव ना समझ के एक उनका इतना महत्वपूर्ण रोल क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए। बच्चे जब स्कूल से आते हैं और मोस्टली आजकल वर्किंग मदर्स हैं, घर में कोई होता नहीं है, तो वहीं एक एल्डरली क्लब के साथ अगर ये बच्चों का भी क्रेश जोड़ दिया जाए तो वो एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है कि आप हमारी एक दूसरे की जरूरत होती है। जी जी। मतलब तो जो बुजुर्ग हैं वो बच्चों का की देखभाल कर सकते हैं और उनको भी एक रोल मिलेगा, कि उनको भी काम करने को एक जिम्मेदारी उनको मिलेगी। बिल्कुल सही कहा आपने। दोस्तों जिन चीजों की अर्चना जी इस वक्त बात कर रही हैं उसकी एक मिसाल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। वृद्धाश्रमों के बारे में आम धारणा ये है कि यहाँ बुजुर्गों को मजबूरी में आना पड़ता है, लेकिन आयुधाम जैसी जगहों ने ओल्ड एज होम की परिभाषा ही बदल दी है। मिसेज नीलम शर्मा आयुधाम में पिछले 2 सालों से अपने पति के साथ रह रही हैं। पहले टाइम पे ये कॉन्सेप्ट होता था कि सीनियर सिटीजन होम है कि भाई बच्चे जो हैं माँ बाप का केयर नहीं करते हैं, इसलिए जो पेरेंट्स हैं दुखी होकर आ जाते थे। आजकल वो कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका हुआ है, हम अपनी इच्छा से यहाँ पर रहने के लिए आए। वक्त के साथ ताल मिलाते ये बुजुर्ग अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीते हैं और यही आज़ादी अपने बच्चों को भी देना चाहते हैं। बच्चों का भी कैरियर का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो पंछियों को तो उड़ने देना चाहिए ना। यहाँ बुजुर्गों के स्वास्थ्य और सुविधा से जुड़ी हर चीज मौजूद है। आयुधाम की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ का आस्था चिल्ड्रन होम। हमारे यहाँ पर आस्था में बच्चे हैं, जो बच्चों को हम लोग हॉस्टल बनाया हुआ है, उनके साथ में हम लोगों का टाइम लगता है, उनकी क्लासेस लेते हैं, उनको पढ़ाते हैं, उनको डांटते हैं, तो वो चीज़ कमी खत्म हो जाती है हमारी। छोटे बच्चे दादी जी भी कहते हैं, माता जी भी कहते हैं। They are very well behaved. They all call me दादा जी। मैंने कहा अच्छा भाई ये ले आ जाके, ये ले जा भाग भाग के, तो they love to do things for you. बचपन और बुढ़ापा यहाँ एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं। मैं तो उनके साथ में इतनी अटैच हुई हूँ कि वो बच्चे मेरे लगते हैं कि भाई उनकी मैं दादी भी हूँ, उनकी मैं सहेली भी हूँ, इनकी मैं सिस्टर भी हूँ। वी आर रियली हैविंग ए नाइस गुड गाला टाइम। मेरे ख्याल में हम जितना यहाँ पर इंजॉय करते हैं, वी सेलिब्रेट आवर फंक्शंस टुगेदर, वी सेलिब्रेट बर्थडेज टुगेदर। हंसी खुशी जिंदगी बसर करते ये बुजुर्ग इन बच्चों को पढ़ाकर नई पीढ़ी को तैयार करने में योगदान भी दे रहे हैं। निवृत्त जीवन में कुछ सार्थक करने का आनंद इनके चेहरे पर साफ झलकता है और बच्चों की शरारत और मस्ती इसमें 4 चांद लगा देती है। दोस्तों अब मैं आपको लेकर चलता हूँ एक ऐसी जगह जहाँ की फिजाओं में ऐसा जादू है कि 70-80 साल के बुजुर्गों में भी जवानी का जोश आ जाता है। अभी तो मैं जवान हूँ, बूढ़ा होगा तेरा ना। हम किसी से कम नहीं। And all is great.
बच्चों जैसी हरकतें और जवानों जैसा जोश, ये नजारा है मुंबई के दादा दादी पार्क का। यहाँ के 6000 वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये पार्क मानो इनका दूसरा घर है। मेंबरशिप के लिए हमको 102 रुपए देने पड़ते हैं लाइफ टाइम के लिए, और इनके भविष्य में हमको जो सुविधाएं एक नागरिक को मिलनी चाहिए उनसे ज्यादा सुविधा सीनियर सिटीजन को दादा दादी पार्क दे रहा है। बच्चों के सपने पूरे करने के बाद आज ये बुजुर्ग अपने अधूरे सपने पूरे कर रहे हैं। बचपन में तो कभी डांस किया ही नहीं था, सीनियर सिटीजन होने के बाद इधर आए, वो 4 साल से डांस कर रहे हैं। डांस करने से हमारा पुराना दिन आ जाता है, हमको बहुत मजा आता है। वो लोग बोलते हैं कि भाई ये बूढ़े लोग क्या डांस करेंगे, हम तो कहते हैं बूढ़ा होगा तेरा बाप, हम तो भाई अभी भी हम जवान हैं। इन बुजुर्गों का मकसद सिर्फ मजे से वक्त गुजारना नहीं है, इनमें कुछ नया सीखने की चाह भी है। यहाँ नए जमाने से ताल मिलाने के लिए कंप्यूटर भी सिखाया जाता है। कल मेरे बेटे का यूएसए से फोन भी आया, आई एम प्राउड ऑफ माय मॉम के तूने वहाँ जाके भी इंडिया में बैठे बैठे ये उम्र में भी तूने कंप्यूटर सीख लिया। जिंदगी के हर पल का जश्न मना रहे इन बुजुर्गों ने बुढ़ापे की परिभाषा ही बदल दी है। हम लोग डेली क्रिकेट खेलते हैं और डेली हम लोग सीनियर सिटीजन मतलब एंजॉय करते हैं। यहाँ पर हम लोग फिजिकली फिट भी रहते हैं सब लोग, वो हिसाब से हम लोग को बहुत मजा आता है और हमारा बचपन भी हमको वापस मिला ऐसा हमको लग रहा है। हम लोग यंगस्टर के साथ मैच भी रखते हैं और हमने यंगस्टरों को हराया भी है और अच्छे खासे रनों से हराया है। जिंदगी के आखिरी ओवर में हर गेंद को सीमा रेखा के पार कराते हुए आज भी क्रीज पे डट के खड़े हैं ये वरिष्ठ जवान। दोस्तों, हमारे साथ इस वक्त यहाँ मिस्टर वालिया मौजूद हैं जो इस पार्क के फाउंडर हैं। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मिस्टर वालिया एंड उनके साथियों के लिए। दोस्तों, मुझे लगता है कि इस किस्म के पार्क्स पूरे देश में बनने चाहिए और ये बहुत आसानी से मुमकिन भी है। हर राज्य सरकार को इसमें पहल करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर दिल्ली में ऐसे ही 83 यानी 83 डे केयर सेंटर्स खुले हुए हैं। दिल्ली सरकार की ऐसे सेंटर्स खोलने की एक स्कीम भी है जिसके तहत 75,000 रुपये की वन टाइम ग्रांट मिलती है और हर महीने मेंटेनेंस के लिए 20,000 रुपये भी दिए जाते हैं। मुझे लगता है कि बुजुर्गों को अपने अपने राज्य में ऐसा करने की मांग अपनी सरकारों से करनी चाहिए। दोस्तों, यहां पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द लौटते हैं। वेलकम बैक दोस्तों। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर मिसेस जोशी। लीना जी, जयंत जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। मुझे बताइए कि आपकी शादी की कहानी क्या है। ऐसा हुआ, मेरी पहली पत्नी जो थी वो जब बीमार हो गए थे, डॉक्टर ने उनको बताया कि अब हमारे पास कोई इलाज नहीं है और आपको 3-4 महीने आराम से रह जाइए। तब हम गप्पे करते थे आगे क्या करेंगे से, तो शी सेड जयू यू मस्ट मैरी अगेन। वचन आपकी पत्नी ने ये कहा कि फिर से शादी करो। शी वॉज वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, तो मुझे प्रॉमिस दे दो। मैंने कहा दे दिया, क्योंकि 40 साल हम साथ रहे थे, प्यार में रहे थे, तो मैंने प्रॉमिस कर दिया। फिर जब जिस दिन वो गुजर गई, बच्चा आया था, दामाद भी आए थे, अब यहाँ मत आ रहिए, हमारे साथ आके रह जाइए। तो हम गए रहना, मैं गया वहाँ, मेरा एक बेटा अमेरिका में है, एक बम्बई में। तो अमेरिका वाला मुझे बोलता है आप अकेले हो तो कोई आपको कंपेनियन मिल जाए तो अच्छा हो जाएगा। तो मैंने कहा तेरी क्या राय है, एडवर्टाइज कर दो शादी के लिए, इश्तहार दे दो। तो टाइम्स ऑफ इंडिया में मैं एडवर्टाइज दे दिए जी। पहला फ़ोन आया बाई चांस इनका ही था। अच्छा, पहला फ़ोन इनका ही आ गया। पहला फ़ोन इनका आ गया जी का। हाँ। I actually thought मैंने सोचा नेक काम में देरी क्यों। तो आपने बोला वक्त बर्बाद मत करो, फौरन फ़ोन करो। तो आपकी उम्र क्या थी जब आपने इश्तहार दिया कि भाई मुझे शादी करनी है, कोई शादी करना चाहेगा? 79 80 से एक कम, क्या बात है।
तो उन्होंने क्या लिखा था इश्तेहार में, एड में क्या लिखा था उन्होंने? कहा था 79 साल के एक स्वस्थ आदमी को रंगीन और जिंदा दिल पत्नी चाहिए। रंगीन और जिंदा दिल। हाँ। मैंने इन्हें फोन किया और कहा कि आप जिंदा दिली की बात कर रहे थे, मेरे ख्याल से मैं काफी जिंदा दिल औरत हूँ। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने, रंगीन और जिंदा दिल। उसके बाद और बहुत आए, फिर औरों को भी मिला। हाँ, हाँ। तो आपने काफी फ्लर्ट किया मतलब? हाँ। मतलब नहीं, 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 लीना जी से शादी करने से पहले आपने काफी फ्लर्ट किया? वो आफ्टर दैट मैं गया बंगलोर, मुझे मालूम था वहाँ क्या होने वाला है। तो आप बेंगलोर की रहने वाली हैं? जी मैं बेंगलोर में रहती हूं। सेटल्ड इन बेंगलोर। तो आप केरला की हैं, आपकी जबान जो है मलयालम है? यस। और आपकी जोशी साहब, आपकी जबान? मेरी जबान मराठी। मराठी है, क्या बात है। तो मतलब एक दूजे के लिए। शाम को 4 बजे, दोपहर में 4 के पहले आप आए, फिर ये अंगूठी मैं आपको पहनाना चाहती थी। मैंने कहा अभी 5-6 घंटे भी रही हुए हम मिले अंगूठी पहना, बट आप जानते ये रही सगाई की अंगूठी, दिखाइए। मेरे हाथ में अभी भी है। दिखाइए मुझे ये, दिखाइए ये। अच्छा ये वाली दूसरी है जो दूसरी तो शादी की अंगूठी है, ये एंगेजमेंट रिंग पहना है। हां मतलब उसी वक्त पहना दिया। अब मुझे भी मालूम नहीं क्या हुआ, मालूम नहीं हाथ में अंगूठी आ गई। बात पक्की हो गई। फिर बात पक्की हो गई। मैंने कहा अब आपने अंगूठी दी है तो ज्वेलर की जवाहर की दुकान में जाएंगे, आप मुझे भी खरीदना पड़ेगा आपको देने। तो हम दोनों गए, वो किस्सा वो बताएगी। हाँ। जब मैंने अंगूठी पहनाई तो इन्होंने भी सोचा कि इन्हें भी उसी दिन मुझे अंगूठी पहनानी चाहिए। तब हम लोग गए, उन्होंने कहा अंगूठी पसंद कर लो। मैंने सबसे छोटी अंगूठी पसंद की, ये देखिए हमारी सगाई की अंगूठी। Oh, how lovely. और फिर मैंने ज्वेलर से कहा कि ये वाली पैक कर दीजिए। ज्वेलर ने पूछा किसके लिए है ये अंगूठी? मैंने कहा मेरे लिए। वो बोला आपके लिए है? मैंने कहा हाँ, आज हमारी सगाई है। तो उसने दुकान के सब लोगों को बुला लिया। अच्छा, दुकान में सब को मैंने बुलाया। अपना हाथ आगे किया और इन्होंने मुझे अंगूठी पहना दी, सब ने तालियां बजाई। फिर मंदिर जाए। वो सब बहुत हैरान थे, यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है। तो कितने साल हो गए आपकी शादी को? 7 साल। 7 साल, वाह। हमारे पास कुछ तस्वीरें हैं जो हम दिखाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को। ये ये हनीमून की तस्वीर है। ये कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी गए आप लोग? कन्याकुमारी। देखिए आप उस तस्वीर में देख सकते हैं कि वो काफी बुजुर्ग लग रहे हैं। और अब देखिए आपसे शादी करने के बाद तो ये जवान लग रहे हैं। यही वजह है, लीना जी से शादी करने के बाद आप जवान हो गए। हाँ, ये फर्क सबको नजर आता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मुझे बताइए लीना जी, जैन जी, जी ये आप दोनों की दूसरी शादी है, पहली शादी से क्या फर्क महसूस हुआ आपको दूसरी शादी में? देखिए फर्क तो है, पहली शादी अरेंज मैरिज थी और दूसरी शादी, मेरा मतलब है मुझे दिक्कतें तो आई थी क्योंकि मैं इनको बिल्कुल नहीं जानती थी, सिर्फ फोन पर ही बात हुई थी। और जब आप साथ रहते हैं तभी इंसान की असली पहचान होती है, इसलिए शुरुआत में थोड़ी मुश्किलें तो हुई, थोड़ी दिक्कतें तो आई, पर हमारा इरादा शुरू से ही ये था कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी ही मुश्किलें आए, हमें साथ ही रहना है। बहुत सही, बहुत सही। मुझे बताइए तो आपके जो परिवार हैं, परिवार वाले जो हैं आपके, जी वो खुश हैं आपसे अब? हाँ, वो पहले भी खुश थे, मतलब जो शादी हो रही थी वो सब साथ में थे आपके? हाँ, बल्कि मेरे बेटे ने तो कहा कि मम्मी आपकी जिंदगी में एक अच्छा इंसान होना चाहिए, जिंदगी में एक अच्छा जीवन साथी चाहिए। मेरी शादी करने की अहम वजह भी यही थी। देखिए इस उम्र में एक साथी की बहुत जरूरत होती है। सही है। मेरे ख्याल से पुनर्विवाह यानी कि दोबारा शादी करना एक बहुत अच्छी बात है, बहुत ही खूबसूरत चीज है। बिल्कुल। हाँ, और खास तौर पे जब आप बीमार पड़ते हैं तो कोई आपका ख्याल रख सकता है, आपके दर्द में मरहम लगा सकता है। सही।
आपके दुख दर्द को बांट सकता है। बिल्कुल कंपेनियनशिप के लिए शादी, देखिए यू आर नॉट बिट्रेइंग योर हस्बैंड, पहले शौहर के खिलाफ कुछ है ऐसे कुछ बात नहीं है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। समाज ने भी उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। देखिए ये अलग अलग हम लोगों का नज़रिया होता है, और जिस तरह के लीना जी और जयंत जी ने हमें दिखाया कि अगर आप बुजुर्ग भी हों लेकिन उस वक्त भी आपको कंपेनियनशिप की ज़रूरत पड़ती है, और वो एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं, एक दूसरे के दोस्त बन सकते हैं, ये कितनी खूबसूरत चीज़ है, बहुत ही खूब। जैन जी अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं लीना जी से कुछ कहना चाहूँगा। जी बिल्कुल। लीना जी आपकी आँखें बहुत खूबसूरत हैं। आपकी भी बहुत खूबसूरत हैं। जब से आप आके बैठी हैं मैं आपकी आंखों को देख रहा हूँ, इतनी खूबसूरत आंखें हैं आपकी। तो जोशी साहब आप इनकी आंखों में खो जाते होंगे हर रोज। पहले दिन ही खो गया जब मिले तब, तब से खोया है वो, होश आया ही नहीं है अभी 7 साल में। बड़ी बड़ी खुशी होती है हमें आप दोनों को एक साथ देखकर, और हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि आपकी जोड़ी इसी तरह बनी रहे और एक लंबी जोड़ी हो आपकी, आपके लिए हमारी ये दुआएं हैं। चलिए दोस्तों अब मैं आपको अकेलेपन की समस्या से पार पाने की एक दिलचस्प सामाजिक पहल दिखाना चाहता हूं। वृद्धावस्था जीवन का एक ऐसा पड़ाव है जब इंसान को किसी सहारे की खास जरूरत होती है। अगर दोनों में से एक एक्सर हो जाते हैं तो क्या अकेलापन हो जाता है? पुनर्विवाह यानी दोबारा शादी करना अकेलेपन से निजात पाने का एक अच्छा विकल्प है, पर कई बार उम्र के इस पड़ाव में शादी करने पर बच्चे या परिवार वाले विरोध करते हैं। अक्सर इसकी वजह जायदाद के बंटवारे को लेकर होती है, लेकिन इस समस्या के निवारण का एक प्रयास अहमदाबाद के नटू भाई ने किया है। अकेलापन जो है ये लोनलीनेस, इट इज ए स्लो पॉइजन, इसलिए हमने ये सीनियर सिटीजन के लिए लिव इन रिलेशनशिप ये सम्मेलन पहली बार ऑल इंडिया में फर्स्ट टाइम किया। लिव इन रिलेशनशिप जहां दो लोग बिना शादी किए अपनी खुशी से एक साथ रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी 6 महीने पहले एक डिसीजन लिया कि लिव इन रिलेशनशिप कोई गैरकानूनी बात नहीं, अपनी मर्जी से कोई भी पुरुष कोई भी स्त्री के साथ बिना शादी रह सकते हैं। जहां युवा पीढ़ी इस कदम को उठाने में झिझकती है, वहीं इस सम्मेलन में हिस्सा लेने या देखने आए सभी बुजुर्गों ने इस पहल की सराहना की। अकेले रहने की क्या जरूरत है, एक दूसरे का साथी होगा तो अच्छा ही है ना। एक दूसरे रहते हैं तो बातचीत होती है, अकेला अकेलापन महसूस नहीं होता, और दूरी जिंदगी के अंदर एक नई जोत चल जा रहा है। एक दूसरे का जब सहारा मिलता है ना तो जो 5वां आयुष बढ़ जाती है और मुंह पे चेहरे पर चमक आती है। बेटी अपनी मम्मी को लेते आए, जमाई अपने ससुर को लेते आते हैं, तो ये धीरे धीरे ये समाज बदल रहा है। उम्र के इस पड़ाव में इंसान बस एक साथी, एक हमदर्द ढूंढता है जिसके साथ हंस बोल सके, जिसे अपना अजीज दोस्त बना सके, और जब दोस्ती के खूबसूरत रिश्ते से इंसान जुड़ जाए फिर किसी सामाजिक मोहर की क्या जरूरत। दोस्तों हमारे साथ हैं सिल्वर इनिंग्स के शैलेश जी। शैलेश जी इस क्षेत्र में बरसों से काम कर रहे हैं, बताइए उम्रों को लेकर आपकी क्या सोच है? आज हम जीते हैं 60 साल से 80-90 साल तक जीते हैं, तो 60 साल के बाद जो 20 या 30 साल क्या हम सिर्फ पूजा करेंगे, सिर्फ टीवी देखेंगे या सिर्फ अखबार पढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं जी। आई थिंक यार बचपन आफ्टर 55 ये चीज आती है। बचपन आफ्टर 55 बुजुर्ग को एक मौका नहीं मिला, उसने पूरी जिंदगी अपने समाज परिवार को दिया, उसमें एक उमंग है। मैंने कभी गाया नहीं, मैंने कभी नाचा नहीं, मैंने कभी गुलेल नहीं खेली, मैंने क्रिकेट नहीं खेली, मैंने बंदूक नहीं चलाई, मैं पहाड़ों पे नहीं चढ़ा, तो ये मौका अपने आप को देना है। बिल्कुल सही। आप अपने आप को उम्र के हिसाब से बंद नहीं करिए, आप अपने आप को रिटायर मत करिए अपनी जिंदगी से। वी डोंट नीड रिटायर्ड बट वी नीड मोर रिवायर्ड पीपल। रिटायर्ड ना हो हम रीवायर हो। बहुत ही सही कहा आपने। चलिए दोस्तों अब मैं आपको एक जाबाज बुजुर्ग से मिलाता हूं।
पुणे के रहने वाले हैं नारायण महाजन। हाथों में लाठी, चेहरे पे झुर्रियां, देखने में एक साधारण बुजुर्ग जैसे नजर आते हैं, लेकिन नारायण जी कोई साधारण इंसान नहीं है। आज के दौर में जहां युवा पीढ़ी चार सीढ़ियां चढ़ने में हांफने लगती है, ये बुजुर्ग पहाड़ों पे चढ़ने का शौक रखते हैं। पिछले ही साल जोश और उत्साह से भरपूर नारायण जी ने लोनावला के 3,500 फीट ऊंचे पर्वत पर सफलतापूर्वक आरोहण किया। पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचे नारायण जी यहीं नहीं रुके, उन्होंने एक और हैरत अंगेज कारनामा कर दिखाया। बिना किसी के सहारे, अपने आत्मबल के दम पर उन्होंने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया, जिसे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया। दोस्तों, नारायण जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कमाल है नारायण जी, क्या बात है, क्या बात, गले लगी, गले लगी, इतनी खुशी होती है। नारायण जी, जो हमने देखा आपने किया, ये तो बहुत सारे यंगस्टर्स करने से डर जाएंगे, नौजवान डरेंगे एक पहाड़ से दूसरी पहाड़ रैपलिंग जो करना है। मुझे बताइए, आपकी उम्र इस वक्त क्या है? 91 कंप्लीट। 91 कंप्लीट, 91 कंप्लीट, क्या बात है। नारायण जी, मुझे बताइए कि और जो बुजुर्ग लोग हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वार्धक्य जो है जी, वो समाधानी होना चाहिए। मतलब ओल्ड एज जो है उसमें इंसान को संतुष्ट होना चाहिए जी, और उसके लिए तनाव नहीं चाहिए। और अगर तनाव ना चाहिए तो अपेक्षा मत करो, अपेक्षा भंग नहीं है तो तनाव नहीं। और दूसरी एक बात है कि बुढ़ापे में जो भी आप खाते हैं उससे आधा खाओ, पानी दुगना पियो, वर्जिश 3 गुना करो और 4 गुना हंसो। और उनके लिए जो सोचते हैं कि बुजुर्ग महिलाएं किसी से कम हैं, आइए ये देखते हैं। विश्राम, पूजा पाठ और बीते दिनों को याद करना, ज्यादातर लोगों की बुजुर्गियत इन्हीं चीजों में बसर होती है। लेकिन यूपी के जौहड़ी गांव की दो बुजुर्ग महिलाओं ने दादी बनने के बाद अपनी जिंदगी की सेकंड इनिंग्स की शुरुआत की है। सिर्फ खेत और घर के काम तक इनकी जिंदगी सीमित नहीं है, बल्कि अपने हुनर और हिम्मत से इन्होंने अपने नाम को कई अखबारों की सुर्खियां बनाया है। जिस उम्र में लोग चलना फिरना भी टालते हैं, ये बुजुर्ग औरतों की जोड़ी बंदूक चलाती है। 10 साल पहले इन्होंने इस खेल को सीखना शुरू किया था। दोनों दादियों ने मिलकर स्टेट और नेशनल लेवल के कई कॉम्पिटिशन में सैकड़ों मेडल जीते हैं। किसी ने सच ही कहा है, प्रतिभा की कोई उम्र नहीं होती। जिंदा दिली से जीने का सबक सिखाती ये दादियां बुढ़ापे की बेबसी पर बंदूक ताने खड़ी हैं। और इन दादियों का निशाना कभी नहीं चूकता। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जुड़ने का। प्रकाश जी, चंद्रो जी, फारूक साहब, आप इनके कोच हैं जी? मैं कोच, ट्रेनर हैं जी। और हमारे साथ सोनिया भी हैं जो उनकी पोती हैं। यस सर। मुझे बताइए, ये आपने कैसे शुरू किया? मतलब मैं तो एकदम शॉक हूँ आपको देखकर। ये कैसे शुरू कैसे हुआ? मैं जो है पोती को लेकर गई थी, मैं कहने लगी बेटा तू भी खेल लेकर। वो कहने लगी उनको अम्मा डर लगे। मैं कहा बेटा मैं आ करूँगी तेरी गल। तो आपकी पोती को आप ले गई थी शूटिंग के लिए? फिर आगे मैं 2-1 दिन तो बैठ कर देखा, फिर 2-1 दिन बाद में मजा ही लगन सी लगी। अच्छा। मैं लोड करके छर्रा भर के मारा, वो 10 में लग गया। पहला छर्रा, मतलब जिंदगी में पहली दफा जो आपने बंदूक उठाई तो वही 10 में लगा। निशाने पे लगाई आप? हाँ, 10 में लगा इनका।
लगने के बाद में हमने कहा दादी आप करती क्यों नहीं। लगने के बाद आपने बोला ये तो फ्लूक से लग गया होगा, दोबारा लगाइए। फिर लगाइए, फिर भी दादी ने मारा तो वो काले में लगा। अच्छा, वो भी उनका अच्छा शॉट लगा। फिर क्या हुआ? टेन में लग तो ही बच्चे सारे कहने लगे दादी खेल, मगर भाई मारी बड़ी फैमिली रुक के देंगे। अच्छा, तो इसलिए घर के मर्द, जो घर के जो मर्द हैं, जो उनके पति बुजुर्ग हैं, घर के वो क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, गांव क्या कहेगा। हाँ, मैंने कहा कोई नहीं, छुप छुप के आप आते रहो। अच्छा, फिर भाई मैं खेलना शुरू कर दिया। मैं जग में पानी घाल लू और भुसवाड़े में खड़ी हो जाऊं कमरे में। जग होता था ना, जग। हाँ। जग में पानी भरती पानी, थी। हाँ। और रात को खड़ी होकर ऐसे बैलेंस बनाती थी, कोई कमरे में खड़े होकर चुपचाप दोनों छुप छुप के। अच्छा, छुप के करती थी ये सब। जी, भीत में निशान करके जग हाथ में, मुंह में राम हाथ में काम। सुबह ही जाऊं छर्रा मारूं कैन में लगे। फिर उसके बाद हम एक कंपटीशन आया नॉर्थ जोन खेलने गई दादी, तो दादी का मेडल हो गया वहाँ पे। मेडल हो गया वहाँ पे पहले कंपटीशन में, पहले कंपटीशन सिल्वर मेडल दादी ने लिया नॉर्थ जोन में। तो अखबार में फोटो वोटो निकला इनका, तो घर वाले गुस्सा हो गए होंगे कि यार ये फोटो कहाँ से आ गई। छुपा लिया वो अखबार। अच्छा, अखबार छुपा लिया। तो किसी को दिखाया नहीं। अच्छा, दिखाया नहीं। हाँ, तो मांगा भी बच्चों ने, दे दिया। फिर बाद में दिखाया इन्होंने कि भाई दिखा दीजिए, कोई बात नहीं, हमने कहा इनसे। आपने कैसे शुरू किया फिर इसके बाद? बच्चे कहने लगे मम्मी आप भी जाओ। हाँ, तो 15 दिन बाद जाने लगी मैं भी। फिर तो लगन हिम्मत के आगे उम्र पार नहीं बसाती। लगन हिम्मत इतनी करी बुढ़ापा हटा के जवान नहीं आ गई। मैंने काफी मेडल लिए, नेशनल में, प्री नेशनल में, स्टेट में बहुत मेडल लिए। देखा है आपने? जी हाँ, सारे मेडल्स हमने देखे। ये सब दादी के हैं। वाह वाह, ये मेरे मेरे घर में दादी के और अलग घर में इनका अलग टंग रहे। अच्छा, ये जो हमने वीडियो में देखा वो सिर्फ आपके मेडल हैं? ये उतने ही मेडल आपके पास भी हैं, इसके अलग हैं। सुनिया जी, आप भी शूटिंग करती हैं? हाँ जी, मुझे मेरी दादी से प्रेरणा मिली। मैंने सोचा कि जब दादी इतनी उम्र में इतना बड़ा काम कर सकती है तो हम यंग क्यों नहीं कर सकते जी। क्योंकि पहले क्या होता था, लड़कियों को घर से निकालते नहीं थे, किसरते थे क्या करेगी लड़कियां, घर पे बैठे रहो। लेकिन दादी ने ये दीवार तोड़ दी कि सभी लड़कियां आने लगी। तो ये नजरिया बदला समाज का, देखिए कैसे नजरिया बदला, क्या बात है। मुझे बताइए कि जो जो बुजुर्ग लोग हैं, जो महिलाएं हैं आपकी उम्र की, जो इस वक्त प्रोग्राम देख रही हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगी? बेटे शरीर बुड्ढा हो, मन बुड्ढा नहीं होता। सही कहा आपने, सही कहा। और जो है लगन के आगे उम्र की पार नहीं बसाती, लगन होनी चाहिए। क्या बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। मैं मुझे यकीन है कि आज इतने लोग हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको एक प्रेरणा मिलेगी कि इस उम्र में आपने कोई चीज़ शुरू की, 65 की उम्र में आपने एक काम नया शुरू किया जिसके बारे में आपको कोई इल्म नहीं था और उसमें भी आपने महारत हासिल कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। थैंक यू सो मच। वेलकम बैक दोस्तों। आज का हमारा सवाल है कि क्या आप अपने माँ बाप से उतना ही प्यार करते हैं जितना कि आपके माँ बाप आपसे? अगर आपका जवाब हाँ है तो अपने मोबाइल फोन पर वाई टाइप करिए और इस नंबर पर भेजिए 5782711। अगर आपका जवाब ना है तो एन टाइप करके इसी नंबर पर भेजिए। इस एसएमएस को भेजने का खर्च सिर्फ 1 रुपया है। आपके एसएमएस के जरिए जितना भी पैसा इकट्ठा होगा गवर्नमेंट टैक्सेस काटने के बाद वो सारा का सारा पैसा इस संस्था को दिया जाएगा, मैत्री इंडिया। मैत्री इंडिया एक ऐसी संस्था है जो बुजुर्गों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए काम करती है और ये वही संस्था है जिसके साथ विनी जी भी जुड़ी हुई हैं। विनी जी, हमारी गुजारिश है कि हमारी तरफ से ये भेंट आप कबूल कीजिए। आप एक से ज्यादा एसएमएस भी भेज सकते हैं। अगर आप इस संस्था को और भी सहयोग देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नाम से चेक बनाकर आप अपनी नजदीकी एक्सिस बैंक शाखा पर जमा करा सकते हैं। आप चाहें तो उनकी वेबसाइट पर आप ऑनलाइन ट्रांसफर भी करा सकते हैं। इस देश की जनता से जितनी भी रकम इकट्ठा होगी, चाहे वो एसएमएस के जरिए हो या ऑनलाइन ट्रांसफर के जरिए या चेक्स के जरिए, उसकी मैचिंग रकम यानी उतनी ही रकम रिलायंस फाउंडेशन इसी संस्था को देगी। रिलायंस फाउंडेशन सत्यमेव जयते की फिलैंथ्रोपी पार्टनर यानी जन कल्याण सहयोगी है। हमारी वेबसाइट www.satyamevjayate.in पर आइए और आज के प्रोग्राम के बारे में आपके क्या विचार हैं हमें बताइए। आपकी बातें सुनने का मुझे इंतजार रहेगा। तो दोस्तों, हम ये न कभी सोचें कि हमारे बुजुर्ग हमारी कमजोरी है, बल्कि वो हमारी ताकत है। उनमें अनुभव है, तजुर्बा है, ज्ञान है, सोच है, समझ है, प्यार है, जज्बात है।
वो हमारा बीता हुआ कल है और हमारा आने वाला कल भी है। एक समाज की हैसियत से हमें अपने बुजुर्गों को उनकी बुढ़ापे में भी खिलने का मौका देना चाहिए, सहायता देनी चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए। बुढ़ापे का मतलब ये नहीं कि आपकी जिंदगी खत्म हो चुकी है, बल्कि आपकी जिंदगी का एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय शुरू हुआ है। दोस्तों, वो हाथ जिन्होंने हमें हमारे पहले कदम में संभाला था, पहला निवाला खिलाया था, उन हाथों को जब आज हम अपने हाथों में लेते हैं और उन हाथों की गहरी लकीरों को देखते हैं, तो उनमें हमें उनका भविष्य नहीं बल्कि अपना भविष्य नजर आना चाहिए। और जब वो हाथ आशीर्वाद के रूप में हमारे सर पर आएंगे, तभी हमारा भविष्य उज्जवल बन पाएगा। जय हिंद, सत्यमेव जयते। बहुत याद आते हो तुम, बहुत याद आते हो तुम, हर रोज दिल की कोई रग छेड़ जाते हो तुम, बहुत याद आते हो तुम। कैसे बढ़े फासले मुझको पता न चला, करना मुझे माफ मैं जाने कहाँ पे था गुम, बहुत याद आते हो तुम। तुम जो नहीं पास में, घर में हूँ वनवास में, तुमको बुलाता है घर, कह दो के आते हो तुम, बहुत याद आते हो तुम। दबे पाँव आके मुझे जगाती है यादें तेरी, बचपन की बातें सभी फिर से सुनाते हो तुम, बहुत याद आते हो तुम। नन्हे से एक फूल ने मेरे घर जन्म जब लिया, एहसास तब ये हुआ मेरे लिए क्या हो तुम, बहुत याद आते हो तुम। कैसे गया भूल मैं, कुदरत का है ये नियम, पहुंचूंगा मैं भी वहां हो जिस जगह आज तुम, बहुत याद आते हो तुम, बहुत याद आते हो तुम, हर रोज दिल की कोई रग छेड़।